अच्छा बायोसाइनस देखते हैं बायोसाइनसिस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमने देखनी है ना वो हमारे पास कंसर्न यहाँ से स्टार्ट होती है कि मैसेंजर आर एन ए से किसान बना बन बनाती है मैसेजर आ रहे हैं और मैसेंजर आर एन ए जो है वो डी एन ए से बन रहा है और डी एन ए के अंदर यानी कि जो जीन आ रहे हैं ना वो जीन आ रहे हैं प्रो अल्फ़ा वन के प्रो जीन है फ्रॉम द प्रो अल्फा वन और प्रो अल्फ़ा टू चेन के लिए वो ट्रांसक्राइब हो जाते हैं मैसेंजर आर के अंदर ठीक है ये मैसेंजर आर एंड के जो जीन है प्रो अल्फा वन प्रो अल्फा टू दोनों चेन के लिए ट्रांसक्राइब हो गए उसके बाद क्या किया जाता है जो मैसेंजर वो ट्रांसलेट किया जाता है रफ एंडो प्लाजमिक रेटिकुलम इन टू द प्री प्रो अल्फा चेंज इनको प्री प्रो अल्फा चेन में कह देते हैं ट्रांसलेट हो जाता है प्री प्रोअल्फा चेन के अंदर होगा जी जो कि एक्सूट किया जाता है ल्यूमन के अंदर और ल्यूमन के ऊपर जो उनका टर्मिनल होता है वो रिमूव किया जाता है उनको प्री प्रो से प्रो में कन्वर्ट करने के लिए ठीक है फिर सिक्योरिटी जो प्रोटीन और जो लाइसिन के होते हैं ना उनको हाइड्रोक्सीलेट कर दिया, कर दिया जाता है उनको क्या कह दिया जाता है उनको हाइड्रोसीट किया जाता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर इसको इंपॉर्टेंट क्यों कहा जा रहा है इंपॉर्टेंट इस वजह से कहा जा रहा है कि क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है जी प्रोटीन और लाइसिन को हाइड्रोसीट किया जा रहा है तो हाइड्रोसीेशन हमारे पास कौन सी वाइटामिन करती है या कौन सा इंसान करता है प्रोराइल लाइसाइल रेजिटेज कहता है प्रोलाइल या लाइसाइल हाइड्रोक्सीज कराता है ये हमारे पास वो ये वो वाला इंजाम होता है जिसने हमारे पास वो करानी होती है इनकी हाइड्रोसीेशन है तो ये इसको वाइटामिन सी चाहिए इसको आयरन चाहिए इसको ऑक्सीजन चाहिए वाइटामिन सी आयरन और ऑक्सीजन चाहिए और रिड्यूसिंग एजेंट है रहना चुके हैं और टू की टिकलेटर रेड चाहिए अगर वायटामिन सी नहीं होगा तो हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड नहीं होगा जब एस्कॉर्बिक एसिड नहीं होगा तो हाइड्रोक्सीेशन नहीं होगी जब हाइड्रोक्सीन नहीं होगी तो जो हाइड्रोजी हाइड्रोक्सी प्रोलिन और ये जो चीज़ें ये कम होगी तो क्रॉस लिंकिंग कम होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम बनेगी स्टेबिलिटी कम होगी और टेन स्ट्रेंथ कॉलोजन की कम होती है अब हाइड्रोक्सीलाइसिन और हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सीप्रोलिन बन गए तो हाइड्रोक्सीलाइसिन और हाइड्रोक्सी प्रोटीन बन जाते हैं ना फिर उनकी ग्ला, ग्लाइकोसाइलेशन कर जाती है ग्लूकोज और गलेक्टोज के साथ अब ग्लाइकोलाइसिस उनकी क्या कर दी गई कर दी गई है ग्लाइकोसाइलेशन कर दी गई है ग्लूकोज और गलेक्टोज के साथ आगे हम चलते हैं तो तीन प्रो अल्फा चेन जो बन चुकी थी वो असेंबल कर जाती है इंट्रा चेन और इंटर चेन डाइसल्फाइड बोन की बनने लग जाती है उसकी फॉर्मेशन होने लग जाती है उनके सी टर्मिनल के ऊपर इन फॉर्म होता है प्रोपेप्टाइड एक्सपेंशन एक्सटेंशन की फॉर्म के अंदर अब यहाँ पे रेजिड्यू को जब हमने हाइड्रोसीट कर लिया था उसके बाद हम वापस आए यहाँ पर तीन जो चेन थी वापस में वाइंड राउंड होने लगी अब यहाँ पर जो सी टर्मिनल था उसके ऊपर क्या होने लगे सी टर्मिनल के प्रो एक्सटेंशन बनने लगी यहाँ पर डाइसल्फाइड बोन का एक ना आप कहें क्लस्टर था गुच्छा सा बन जाता है उसके बाद क्या होता है अब पहले

बाहर भेज देगा जब इसे सेल में मेन के साल के बाहर भेज दिया तो अब ये क्या कहलाता है अब इसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग होगी जैसे इसके दोनों साइड के ऊपर ये जो क्लस्टर बने हुए थे इसको एक लम्जी सी अपेयरेंस दे रहे थे लग ही नहीं रहा था कि एक डिसेंट सा मोलिक्यूल है तो हमारे पास जो क्या होगा जी जो प्रोपेप्टी होते सीट एम एल के प्रोपेप्टाइड हो सकते हैं वो प्रो कोलेजन पेप्टाइड जो है ना वो उनको वहाँ से वो काट देंगे और एन टर्मिनल के प्रोपेप्टाइट को एन जो टर्मिनल के ना प्रोपेप्टाइड है वो काट देंगे तो इससे ट्रोपोकोलेजन हो जाएगा अब ये क्या है ट्रोपोकोलेजन है ट्रोपोकोलेजन का स्ट्रक्चर किस तरह का दिए हमारे पास ट्रिपल हेलिक्स है इसके पास और इसके अलावा हाइड्रोक्सी लाइसिन है हाइड्रोक्सी प्रोलिन है और उनके ऊपर ग्लाइसो ग्लाइकोसाइलेशन हुई है अब ये जो ट्रोपोकोलेजन ट्रोपोकोलिजन है इसकी थोड़ी सी कहानी नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जी हम देखने के लिए तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये टर्मिनल एन टर्मिनल भी काट दिया गया है और सी टर्मिनल की जो प्रोपेप्टाइड है वो भी काट दी गई है तो अब क्या होगा अब ये जो हमारे पास पड़ा हुआ ना ट्रोपोकॉलिजन का मॉलिक्यूल अब इसने अपनी असेंबली के अंदर आके कोलिजन बनना है तो ट्रोपोकॉलिजन के मॉलिक्यूल के कुछ पॉइंट हैं जो लिखे हुए हैं पैराग्राफ में अंदर रखा तो हमने वो भी डायग्राम के ऊपर लिख लिए हैं ताकि बाद में आसानी रहे एक फ्लो में बनता इसको डिस्कस कर सके जी तो ट्रोपो जो कॉलिजन है ना ट्रोपोकॉलिजन है अब उसने क्या होना है ट्रोपोकॉलिजन अब एक ऑर्डर्ड फॉर्म के अंदर आने के लिए ना कोलिजन फिब्रल के अंदर उसको कन्वर्ट होना है और किस तरह करेगा जो लाई एक और इंजाइम आएगा लाइसाइल ऑक्सीडेज लाइसाइल ऑक्सीडेज वो वाला इंजाइम है जिसको कॉपर की जरूरत होती है आपके पास ठीक है है, तो लाइसाइल ऑक्सीडेज इंजाइम आएगा और ट्रोपोकोलिजन को पकड़ेगा यानी कि ट्रोपोकोलिजन विल एक्ट एज सबस्ट्रेट फॉर uh, लाइसाइल ऑक्सीडेज तो आएगा और ये जो कॉपर कंटेनिंग एंजाइम होता है ये डीअमाइनेट कर देता है लाइसिन को और हाइड्रोक्सी लाइसिन के रेजिड्यूज को ये बहुत इंपॉर्टेंट uh, स्टेप होने वाला है क्योंकि इलास्टिन की जब हम सन्सिस पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी लाइसाइल ऑक्सीडेज का ही रोल आएगा लेकिन यहाँ पर क्या आता है जी लाइसाइल ऑक्सीडेज क्या होता है डीअमाइनेट करा देता है हाइड्रोक्सी लाइसिन को करा देता है और लाइसिन को करा देता है रेजिड्यूज को और उनको कन्वर्ट कर देता है एल के अंदर यानी कि एल लाइसिन आ गया हाइड्रोक्सी एल लाइसिन रेजिड्यूज के अंदर और फिर वो कंडेंस कर देते हैं हैं ने नेबरिंग लाइसिन और हाइड्रोक्सी लाइसिन के साथ लाइसाइल ऑक्सीडेज आया उसने इसको डीएमइनेशन करा दी इन दोनों की और डीएमइनेशन कराने के बाद उसने इनको एल के अंदर कन्वर्ट कर दिया जो तो कि एल लाइसाइन रेजिडियो से और या फिर हाइड्रोक्सी लाइसिन रेजिड से वो हो गए फिर वो कंडेंस करने लगे ला नेबरिंग लाइसिन और हाइड्रोक्सी लाइसिन के साथ इस तरह तो उन्होंने कोवन क्रॉस लिंकेज बना दिए जब कोवरन क्रॉस लिंकेज बन गए तो ये आपके पास मेचोर जो कॉलिजन है ना इट हैज़ हेजबिनथिस